अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हाथ रहम वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ किरण और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पैन में ऐड कर दूंगी 1/2 कप ऑयल इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे इस तरीके से। और इसको अच्छे से आपने फ्राई करना 3 मिनट तक, ताकि इसकी स्मेल है ना जो वो ख़त्म हो जाए, कच्चेपन ख़त्म हो जाए। अगर लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई ना हुआ, वो ब्राउन ना हुआ, तो फिर स्मेल है सारे खाने में आती है और सारे खाने के टेस्ट को ख़राब कर देती है। इसलिए आपने इसको को अच्छे से फॉलो करना है, इससे भी आपका खाना बहुत ही मज़े का बनेगा। देखिए अपन हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है कितने अच्छे से ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, 5 टमाटर लेकर उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी अच्छी तरह अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो हमारा टमाटर उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप जो भी मसाला ऐड करें उसको थोड़ा सा टाइम 2 से 3 मिनट तो ज़रूर दिया करें, ताकि इसका कच्चापन की स्मेल ख़त्म हो जाए। इससे हमारे खाने बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस जो कुछ हुए हैं। 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून कुछ धनिया पाउडर है और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टी स्पून जिस यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। सारे मसाले ऐड कर देंगे तरीके से, इनको मिक्स कर लेंगे और इनको 2 मिनट तक अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टी स्पून शक्कर। इससे क्या होगा, जो हमारा मटन है उसका जो कोरमा बना रहे हैं ना, मटन का कोरमा, उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उसमें क्रस्ट आ जाएगा, इसलिए आपने 1 टी स्पून शक्कर तो ज़रूर ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला उसको भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मटन को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 kg मटन, जिसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया, ये ऐड कर देंगे उस तरीके से और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसके अच्छे से आपने भुनाई करनी है। ये देखें यहाँ पर जो आप चूल्हा है उसको हाई फ्लेम पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम टू लो रखा है। इससे क्या होगा कि आपको आपका जो ये मटन है ना और ग्रेवी है, ये नीचे नहीं लगेगी और आप इसको अच्छे से इसकी भुनाई भी कर सकते हैं। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें हैं जो वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला साबुत, जिसमें मेरे पास 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने भर कर लिया ज़ीरा और काली मिर्च साबुत ना, 2 लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के लिए, ये ऐड कर देंगे। गरम मसाले को आप कभी भी स्टार्ट पर ऐड ना किया करें, उससे क्या होगा कि जब आप उसको ऑयल में स्टार्ट पर ही ऐड कर देंगे ना, तो आपके मसाले हैं जो वो जल जाएंगे और सारे खाने का टेस्ट है जो वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसमें तली हुई प्याज इस तरीके से, 3 बड़े साइज के प्याज लेकर उनको मैंने फ्राई कर लिया था तरीके से ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज को बचा लिया, वो हम दम में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया 4 चम्मच दही और उसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच वो बिरयानी मसाला, इसको भी ऐड कर देंगे। मसाला आप चाहे तो इसमें नेशनल या शान जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे तरीके से और अच्छे से इसको भुनाई करेंगे जब तक हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए और सारे जो मसाले हैं उसका टेस्ट मटन में अच्छे से चला ना जाए। अगर हम इसको पूरी ऐसे मिक्स करके उतार लेंगे तो हमारा जो मटन है उसका टेस्ट मसालों में नहीं जाएगा, मसाले का अलग टेस्ट आएगा और जो ये मटन की बोटी है वो आपको बिल्कुल फीकी लगेंगी। इसलिए आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करना है। ये देखें मिक्सिंग हो गई है, अब आपने इसको 7-7 चम्मच चलाते जाना है, इसकी भुनाई करते जाना है। अब मैं जो हमारा कोरमा है इसको साइड पे कर दूंगी, लो फ्लेम पर आपने इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना, ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। और अब हम यहाँ पर पानी रख लेंगे चावलों के लिए।
देखिए यहाँ पर जो हमारा पानी है वो गर्म हो गया है। पानी को मैंने गर्म करने के लिए यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया था, गर्म करते हुए 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि जब हम पानी निचोड़ते ना तो आधे से ज़्यादा जो हमारा नमक होता है ना उसका वो टेस्ट निकल जाता है। और यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा, और यहाँ पर एक बादियान का फूल है, ये ऐड कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो हमारा पानी है अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर मेरे पास चावल हैं, 1 kg चावल, लेकिन उनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, ये ऐड कर देंगे इस तरीके से। बाउल को आपने अच्छे से साफ करना है, क्योंकि इससे हमारे जो खाने हैं ना उसमें बरकत होती है और इधर से ज़ाया नहीं होता। अब आपने इसमें चम्मच चला देना ताकि जो चावल हैं वो नीचे जुड़े नहीं। चम्मच आप लोगों ने ज़रूर चलाना है इसमें, ये नहीं कि आपने चावल डाल दिया छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब आपने इसको 90% कुक होने तक छोड़ देना। देखिए यहाँ पर हमारे चावल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये 90% तक कुक भी हो गए हैं, ये देखें। अब मैं इनका पानी निकाल दूंगी। अब हम दम की तरफ चलते हैं। दम के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई को खाली करके रख लिया है और अब हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पर हम जो कोर्न बनाया उसी से आपने एक्स्ट्रा ऑयल है जो उसको उतार के इस तरह से नीचे डाल देना है इस तरीके से। चूल्हा यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर ऑन ही रखा हुआ है, ऑफ नहीं किया। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। कोशिश करें कि जब भी आप बिरयानी बनाएं तो आपका कोरमा और चावल दोनों चीज़ें अच्छे से गर्म हो। इससे क्या होगा कि आपके चावल हैं जो खिले खिले भी पकेंगे और अच्छे से गले भी होंगे। इस तरीके से आपने बिछा देना नीचे चावलों को। और अब हम इसके ऊपर अपना जो हमने कोरमा बनाया था ना उसको ऐड कर देंगे। तो कोरमे को आपने अच्छे से फैला कर डालना है, एक ही जगह पर आपने इसको ऐड नहीं करना इस तरीके से। कोरमे यहाँ पर मैंने डाल दिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे इस तरीके से। 3 से 4 आपने इसके ऊपर हरी मिर्चें ऐड कर देनी है इस तरीके से। थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर दोबारा से चावलों की लेयर लगा देंगे इस तरीके से और इनको फैला लेंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद दोबारा से आपने इसके ऊपर इस तरह से फ्राई किया हुआ प्याज है जो वो डाल देना इस तरीके से। और 2 टीस्पून यहाँ पर आपने इस पर फूड कलर ऐड कर देना इस तरीके से। और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके आपने दम पर छोड़ देना। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो बिरयानी है उसको दम दिए, 15 मिनट हो गया। अब ढक्कन को हम हटा देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी भाप बनी हुई है और हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से गल गए और खिले खिले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से चावल हैं जो उनको मिक्स करके उठा कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से। देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मटन बिरयानी जो बिल्कुल रेडी है, इसमें से इतने मज़े की खुशबू आ रही है। और मुझे इस तरह की मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।